जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 10 का 115th मैच के बारे में। और ये जो मैच आपको तमिल तेलवस वर्सेस पुनेरी पलटान के बीच में खेला जाएगा, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा भाई। आपको मैं बताऊंगा डिफेंस डिपार्टमेंट में किसको लेना चाहिए, ऑलराउंडर पे यहाँ पर कितने प्लेस तक सही रहेंगे, और राइडिंग डिपार्टमेंट में भाई यहाँ पर आपको सभी को पता है क्योंकि जो जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो काफी अच्छे खेल रहे हैं, तो पुराना प्लेयर की क्या हाल है और पॉइंट्स टेबल पे कितने पोजीशन पे। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है आपको डिफेंस पे कौन सा प्लेयर खेल रहे हैं, राइट कवर कवर्स पे कौन खेल रहे हैं, कॉर्नर पे कौन खेल रहे हैं, ये सारा जानकारी आपको दोनों टीम की जो प्लेइंग सेवन है सब कुछ आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा भाई एक बेहतरीन टीम बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर ये जो टीम है आपको स्मॉल लीग के लिए भी अच्छा है और ग्रैंड लीग के लिए भी अच्छा है। तो काफी जो यूजर्स है भाई यहाँ पर हमारे चैनल को ज्वाइन करके काफी अच्छे विनिंग कर रहे हैं, लॉसेस भी रिकवर कर रहे हैं। अगर आपको भी अपने लॉस रिकवर करना तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दे चुका हूं। अगर लिंक ओपन नहीं होता भाई तो आपको यहां पर शो हो रहा है भाई, आप इसी प्रकार जाके सर्च कर लेना @SSCFantasy। अगर आप इस प्रकार जाके सर्च कर दो तो मेरे चैनल शो हो जाएगा भाई, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो अभी यहाँ पर आप सभी को पता है भाई तमिल तेलवस यहाँ पर ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, सॉरी तमिल तेलवस अभी भी मौका है इस टीम के पास क्वालिफाई होने के लिए प्ले ऑफ, और पुनेरी पलटान ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। तो पुनेरी पलटान क्या चेंजिंग ला सकता है इस मैच में, क्योंकि भाई यहाँ पर नए प्लेयर्स हैं उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि पंकज मोहित गोयल और इसके साथ साथ भाई असलम इनामदार इस टीम का मेन राइडर है। उसके बाद आकाश सिंडे लास्ट सीजन में काफी अच्छे खेले थे, आदित्य कुमार सिंडे भी है, तो उनको यहाँ पर मौका मिल सकता है। और तमिल तेलवस के पास भाई क्या एडवांटेज अभी मिल सकता है, तो यहाँ पर सागर कमबैक कर सकते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है 2-3 मैचेस से वो नहीं खेल रहे क्योंकि बुखार सबसे बड़ा रीजन था, बुखार की वजह से सागर नहीं खेल रहा। तो सागर अगर आ जाएंगे भाई तो इस टीम का जो डिफेंस है काफी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सागर इस सीजन में अगर देखा जाए तो टॉप 5 डिफेंडर्स में सागर एक पहला प्लेयर है भाई, तो यहाँ पर सॉरी टॉप 5 डिफेंडर्स में यहाँ पर सागर का नाम है। सागर साहिल भी इस टीम का मेन डिफेंडर है भाई। और पुनेरी पलटन की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो स्ट्रांग है भाई इस टीम की यूनिटी है, और इस टीम के पास जो स्ट्रेंथ है सभी प्लेयर्स अच्छे खेल रहे हैं, सभी प्लेयर्स राइड भी कर सकते हैं और डिफेंस भी कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा भाई। पहले हम जानते हैं दोनों टीम की प्लेइंग सेवन क्या रहने वाले, तो प्लेइंग सेवन देखने से पहले आपको मैं बताऊंगा तमिल तेलवस। तो तमिल तेलवस से अगर देखा जाए भाई लास्ट मैच में यहाँ पर यूपी योद्धा के खिलाफ 7 पॉइंट से जीते थे भाई, और वो जो मैच था 108वां मैच है 108 मैच, और ये मैच यूपी योद्धा को यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 7 पॉइंट से मैच हरा दिया यूपी योद्धा, ये मैच हार गए। आप सभी को पता है यूपी योद्धा प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं भाई, प्रो कबड्डी हिस्ट्री में देखा जाए तो पहला बार वो प्लेऑफ नहीं खेले। और तमिल तेलवस भाई यहाँ पर अभी भी इस टीम के पास अपॉर्चुनिटी है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा दोनों टीम की प्लेइंग सेवन क्या रहेगा, वो प्लेइंग सेवन आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लेइंग सेवन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर राइडर्स में अगर देखा जाए तो नरेंद्र ने लास्ट मैच में कमाल की परफॉर्मेंस दिया था भाई, 10 राइट पॉइंट लिए थे नरेंद्र ने, तो आप इनको टीम पे रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आ गया भाई राइट कवर पे देखा जाए तो यहाँ पर आपको खेलेंगे अभिषेक आपको राइट कवर पे खेलते नजर आएंगे, और लेफ्ट कवर पे कौन खेलेंगे भाई, तो लेफ्ट कवर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको मोहित नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर आपको मोहित यहाँ पर आपको लेफ्ट कवर पे खेलेंगे, अभिषेक यहाँ पर आपको राइट कवर पे नजर आएंगे, और नरेंद्र की बात की जाए तो आप सभी को पता है इस टीम का मेन राइडर है, तो इनको मैंने टीम पे ले लिया। उसके बाद अगर देखा जाए भाई यहाँ पर आपको नजर आएंगे साहिल गुलिया अगर देखा जाए भाई लेफ्ट कॉर्नर पे खेलते हैं, और इनका जो डिफेंस है साहिल गुलिया और सागर इस टीम का मेन डिफेंडर है भाई, तो यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। उसके बाद अगर देखा जाए भाई यहाँ पर सागर को मैं ले रहा हूँ, क्योंकि सागर आप सभी को पता है बुखार से मेरे हिसाब से देखा जाए तो सागर खेलने के चांस पूरी तरह हाई है भाई। तो ये जो 5 प्लेयर्स है यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं भाई, ये 5 प्लेयर्स आपको यहाँ पर राइट कवर, और यहाँ पर आपको अगर सागर की बात की जाए तो राइट कॉर्नर पे खेलते हैं, और लेफ्ट कॉर्नर पे अगर देखा जाए भाई यहाँ पर आपको साहिल गुलिया और सागर इस टीम का मेन डिफेंडर्स है। उसके बाद मोहित अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको लेफ्ट कवर पे नजर आएंगे भाई, और राइट कवर पे अगर देखा जाए तो अभिषेक है, और यहाँ पर नरेंद्र इस टीम का मेन राइडर है भाई। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा और कौन सा प्लेयर है वो खेलने की चांसेस है भाई यहाँ पर। तो आपको एक और प्लेयर है भाई यहाँ पर, आपको ईरानी डिफेंडर है भाई यहाँ पर, अब उनको मौका मिल सकता है भाई यहाँ पर, मोहम्मद रिजा यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट मैच में इनको जब मौका मिला भाई सब्स्टिट्यूट पे आते हैं, और जब भी आते हैं भाई ये प्लेयर कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं। अगर सागर आ जाएंगे तो ये सब्स्टिट्यूट पे भी आना इनको काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लेइंग 5 तक तो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद भाई आते हैं अजिंक्य पावर अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में भाई यहाँ पर इनको सब्स्टिट्यूट पे मौका दिया गया, क्योंकि यहाँ पर इनकी फॉर्म अभी इतना अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन ये प्लेयर अभी भी इस टीम का सेकंड राइडर है भाई, तो ये खेलते आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अजिंक्य पावर को आप ले सकते हो। उसके बाद अगर देखा जाए भाई यहाँ पर आपको कौन सा प्लेयर आपको नजर आ सकते हैं, तो भाई वो है आपको मेरे हिसाब से देखा जाए तो हिमांशु।
तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया भाई, पांच प्लेयर के साथ साथ आपको हिमांशु नजर आएंगे और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको नजर आएंगे अजिंक्य बाबर। ये जो सात प्लेयर से भाई आपको मेरे हिसाब से यही प्लेइंग सेवन रहेंगे। तो पांच प्लेयर तो आपको मैंने बता दिया कौन कौन सा प्लेयर है। तो यहाँ पर अगर लास्ट मैच में डिफेंस में अगर देखा जाए भाई, यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा नरेंद्र ने पूरे 10 राइट पॉइंट बनाए थे, काफी अच्छे खेले थे भाई। उसका भाई टॉप परफॉर्मर कौन है भाई, यहाँ पर आपको हिमांशु, यहाँ पर हिमांशु को तो यहाँ पर मैंने पिक नहीं किया था। हिमांशु ने यहाँ पर 4 टैकल पॉइंट दिए थे और अभिषेक को 1 ही टैकल पॉइंट मिला था भाई, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था। और साहिल गुड़िया कितने लिया भाई, 6 टैकल पॉइंट दिए थे। तो अपने हाईफाई कंप्लीट किए और लास्ट मैच के हीरोज में देखा गया था यहाँ पर नरेंद्र है भाई और यहाँ पर साहिल गुड़िया और उसके बाद हिमांशु। अजिंक्य पावर भले ही प्रॉपर है भाई, लेकिन वो प्लेयर तो जरूर ट्राई कीजिएगा। इस प्रकार प्लेइंग सेवन रहेंगे यहाँ पर तमिल दलावस की। तो अभी हम बात करेंगे भाई, अभी हम बात करेंगे दूसरी टीम की। तो दूसरी टीम जो है भाई यहाँ पर आपको पुनेरी पलटन। तो पुनेरी पलटन के लिए प्लेइंग सेवन किस प्रकार रहने वाले, तो पुनेरी पलटन में अगर प्लेइंग सेवन पे देखा जाए भाई, यहाँ पर लो जो लास्ट मैच खेले भाई पुनेरी पलटन बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ 9 पॉइंट से जीते और ऑलरेडी ये टीम क्वालिफाई भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये टीम काफी स्ट्रॉन्ग टीम है भाई और पॉइंट टेबल पे कितना पोजीशन है सब कुछ मैं बताऊंगा। लास्ट मैच 9 पॉइंट से जीते थे और इस मैच में अगर देखा जाए तो इस टीम की प्लेइंग सेवन क्या रहने वाला। तो यहाँ पर प्लेइंग सेवन पे देखा जाए भाई, यहाँ पर आपको नजर आएंगे साधलु और असलम इनमदार। इस टीम का यहाँ पर मेन ऑलराउंडर्स है भाई साधु, यहाँ पर अच्छे डिफेंस करते हैं, कभी कल राइड भी कर लेते हैं भाई। और असलम इनमदार आप सभी को पता है भाई इस टीम का मेन राइडर है, तो ये दोनों आपको नजर आएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए भाई यहाँ पर आपको कौन कौन सा प्लेयर और है भाई, यहाँ पर आपको मोहित गोयट है भाई, पंकज मोहित है, आदि आकाश सिंडे और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आदित्य सिंडे है भाई, यहाँ पर आदित्य तुषार सिंडे। तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से देखा जाए तो मोहित गोयट और इसके साथ साथ पंकज मोहित है, ये दोनों आपको रेस्ट लेते नजर आएंगे क्योंकि असलम इनमदार आपको राइडिंग संभालेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पर मौका मिल सकता है आकाश सिंडे को, क्योंकि आकाश सिंडे अगर देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट मैच में पूरे 8 राइट पॉइंट लिए थे, तो यहाँ पर आकाश सिंडे को मैंने टीम पे रखा भाई। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी अगर डिफेंडर है तो यहाँ पर आपको कौन सा डिफेंडर को लेना चाहिए, तो यहाँ पर मोहम्मद रिजा साधलु को मैंने लिया भाई। साधलु में देखा जाए एक अच्छे ऑलराउंडर है भाई यहाँ पर। असलम इनमदार अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑलराउंडर के रूप में आपको नजर आएंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो गौरव खत्री है भाई यहाँ पर, राइट कॉर्नर पे खेलते हैं और कमाल के डिफेंडर है भाई गौरव खत्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 प्लेयर्स को मैंने ले लिया भाई। उसका बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर और कौन सा प्लेयर है, अभिषेक नगराजन है भाई। भले ही यहाँ पर ये प्लेयर लास्ट मैच में अच्छे नहीं खेले, एक अच्छा डिफेंडर है, राइट तौर पे खेलते हैं भाई, प्लेयर्स को अच्छी तरह पुश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये 5 जो प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं ये रहेंगे प्लेइंग 5 है। और 2 प्लेयर कौन है, वो 2 प्लेयर का नाम भी आपको मैं लेना चाहूंगा। तो 2 प्लेयर में अगर देखा जाए भाई यहाँ पर संकेत सावंत आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं भाई। तो संकेत सावंत अगर देखा जाए तो रिसेंट परफॉर्मेंस इतना खास नहीं है, लेकिन ये प्लेयर अभी भी इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर। तो इस प्लेयर आपको 6 प्लेयर है और ये जो प्लेयर है भाई यहाँ पर आपको लेफ्ट तौर पर खेलते नजर आएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स पे तो यहाँ पर काफी प्लेयर थे, लेकिन राइडिंग डिपार्टमेंट में आकाश सिंधे के साथ साथ भाई यहाँ पर आपको आदल नजर आ सकते हैं भाई, आदित्य तुषार सिंधे भाई यहाँ पर। तो इनको मौका तो मिल रहा है लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो आदित्य तुषार सिंधे भी आपको प्लेइंग सेवन पे नजर आएंगे क्योंकि भाई यहाँ पर ये टीम प्लेऑफ क्वालिफाई हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये टीम में ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद भाई आपको यहाँ पर मैंने बता दिया प्लेइंग सेवन किस प्रकार रहेगा, लेकिन लास्ट मैच में कौन कौन से प्लेयर अच्छा खेले थे आपको मैं बताना चाहूंगा भाई। तो यहाँ पर आपको असलम इनमदार ने काफी बढ़िया खेले थे भाई, 11 राइट पॉइंट लिए थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आकाश सिंधे यहाँ पर 8 राइट पॉइंट थे इनके पास, और गौरव खत्री और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको मोहम्मद साधलु रिजक यहाँ पर ये जो प्लेयर है 4 टैकिंग पॉइंट लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेइंग 5 बताया, संकेत सावंत को आप ले लीजिएगा भाई, उसके साथ साथ आदित्य तुषार सिंधे को ले लीजिए क्योंकि पंकज मोहित है और यहाँ पर आपको मोहित गोयल, इन दोनों को रेस्ट देते नजर आ सकते हैं भाई यहाँ पर। तो इस प्रकार टीम रहेगा पुनेरी पलटन की। तो सब कुछ तो आपको मैंने बता दिया, अभी आपको बताना है भाई यहाँ पर एक फाइनल टीम कैसा रहेगा। तो फाइनल टीम के लिए भाई वो सब कुछ देखने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा भाई, दोनों टीम पॉइंट टेबल पे कितना पोजीशन पे। तो तमिल के पास अभी भी मौका है भाई, तो तमिल तेलुगुस अगर देखा जाए तो 19 मैच के लिए भाई इसमें 8 मैच जीते हैं, यहाँ पर 11 मैच हार गए और ये पॉइंट टेबल पे देखा जाए तो 8 पोजीशन पे भाई। और इस टीम के अगर पॉइंट्स देखा जाए तो अभी भी 45 पॉइंट्स है भाई और पुनेरी पलटन ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं भाई इस सीजन में सेकंड पोजीशन पे, 18 में से 13 मैच जीते हैं भाई, 2 मैच हार गए, 3 मैच टाई हुआ और इनके पास 76 पॉइंट है और पॉइंट टेबल पे ये सेकंड पोजिशन पे। तो ये इस प्रकार रहेगा भाई दोनों टीम के यहाँ पर पॉइंट टेबल सब कुछ देखने के बाद। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कौन कौन सा प्लेयर को पिक करना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए भाई आपको नो डाउट यहाँ पर नरेंद्र काफी बढ़िया पिक रहने वाला है, तो आप इनको कंफर्म कीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है आकाश सिंह, ये दो राइडर्स रहेंगे। उसके बाद साधु और अश्वमी नंदा, तीन दो ऑलराउंडर को पिक कीजिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए साहिल गुलिया, सागर, गौरव खत्री है, तो यहाँ पर साहिल गुलिया को मैंने पिक किया है और इसके साथ साथ गौरव खत्री को मैंने टीम पे रखा, और सागर नदराजन काफी प्लेयर्स है तो यहाँ पर नदराजन को लीजिए क्योंकि लास्ट मैच ये फ्लॉप रहे थे इसलिए इनको मैंने टीम पे कंफर्म कर लिया। तो अभी आते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन पे किसको लेना चाहिए। कैप्टन वाइस कैप्टन पे काफी प्लेयर्स है तो नो डाउट यहाँ पर आपको कैप्टन पे मैं असलम के साथ जाऊंगा, और वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर साहिल गुलिया है भाई, यहाँ पर गौरव खत्री, नरेंद्र, तो नरेंद्र पुनेर पलटान के डिफेंस के सामने चलना इतना आसान नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर वाइस कैप्टन किस प्लेयर को लेना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं साधु को पिक करूंगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्लेयर्स है भाई आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए डिजर्व करते हैं, तो वो प्लेयर कौन है, नरेंद्र है भाई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पिक है, साहिल गुलिया और सागर अगर खेलते हैं तो काफी बढ़िया पिक है, नदराजन को आप पिक कीजिएगा भाई, मेगा ग्रैंडली के लिए प्लेयर आपको यहाँ पर गर्दा फाड़ देगा और ये प्लेयर को आप ट्राई करेंगे तो ये प्लेयर आपको जरूर जिता सकते हैं, इस प्लेयर के पास वो क्षमता है। तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर तो मेरा टीम तो बन चुके हैं, यहाँ पर मैंने पूरे तीन डिफेंडर को ले चुके हैं भाई, यहाँ पर साहिल गुलिया, गौरव खत्री, अभिषेक नदराजन है, उसके बाद यहाँ पर साधु असलम इनामदार है, और यहाँ पर राइडिंग डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने नरेंद्र और आदित्य शिंदे को आकाश शिंदे को मैंने लिया, और कैप्टन वाइस कैप्टन पे आपको असलम इनामदार और यहाँ पर साधु, अब चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन को आप भी रिवर्स कर सकते हो। तो भाई ये जो टीम है आप इस टीम को सेव करके रखिएगा क्योंकि लाइनअप अनाउंस होने के बाद आपको काफी टाइम मिलेंगे, और ये जो टीम है भाई मैं 2 vs 5 के कॉम्बिनेशन के साथ बनाए, लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत करना। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करना भाई, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दे चुका हूं, आपको बीच बीच में वीडियो पे शो होगा भाई हमारे टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा, तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूं, नेक्स्ट जो मैच है भाई उसको भी कवर करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।